काऊ को चल लो हो तो बुरा तो मानियो मत, पर मेरी नजर में जी कोई रिश्ता ही ना है, साडू का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल गाजर को संको है, बच जाए तो ठीक है ना, तो कोई मतलब ना है। और तुम जिको कि बैसी बना कह दई तो प्रमाण भी बता रहा हूं तुम्हें, आल्हा सुनी हो तुमने तो आल्हा में मलखान और पारत दोनों सगे साड़ू थे, सगे साड़ू थे दोनों, माजाई बहन थी दोनों के लिए। तो एक दिन में जब दोनों बहन इकट्ठी भई मायके में, तो पारत की घरवारी ने कही, मलखान की घरवारी थी, कही जीजी मैं जी सुनिएगा जीजन को तो कालू ही ना आए, उनकी लली तो मालूम ना उनको कालू तरवा में, तरवाई में कच्चे हैं बस। पारत की घरवारी ने कह दी पारत ने, और पारत ने कह दी पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज ने मलखान से कही थी एक दिन के, हम लड़के तो नहीं जीत पाए, पर मैं आज ये देखना चाहते हैं कि मलखान तुम घोड़ा पे बैठ के उड़त कैसे हो, इसे दिखा दो। मलखान घोड़ा पे बैठ के ऊपर उड़े तो पृथ्वीराज ने नीचे तो तरवा में बाण मारो खींच के, कहां रही साड़ू की नातेदारी। भागवत से सुनो, जमदग्नि महात्मा और सहस्त्रार्जुन राजा ये दोनों सगे साड़ू थे दोनों। तो महात्मा रोज इसलिए जाते थे कि वो राजा थे सहस्त्रार्जुन। तो एक दिन रेणुका बोली कि ऐसो करियो कल नो तो दे आइयो जी जो डोनिया हमारे यहां, एक पागल है गई है, हम महात्मा है वो राजा है, करना तो जाओगे तुम होना है। सो भैया जाके जो खबर कही, महात्मा जी बोले कि राजा आत्मा सारी ने बुलायो, तो तुम जाए बांधता अब जानता हो जाकर राजा कहूं जावे तो हजारों की फौज तो पहले चली जाते। सो जो सहस्त्रार्जुन राजा सजे तो 10,000 तो जवान सजे संग, और सभी फौज लेकर राजा आ गए, महात्मा की कुटी पर, महात्मा ने की पल्लो पर गई अब कांते लांगे खाए दे। लेकिन एक गाय ऐसी बन रही थी कामधेनु उनके यहां कि उस गाय ने पूरी भीड़ का सत्कार कर दिया, वो दूध ही नहीं बटो। राजा ने की महात्मा दे आइयो कि बोलो कि तो दूध कहां से लाए हो, कि महाराज हमारे यहां जी गाय एक ऐसी है कि कितने अतिथि आ जाए एक ते एक लाख तक सबको सत्कार कर देते। राजा का कीरा रो रानों को, फिर ऐसी गई आगे त्याजा का जरूरत है, तुम रहते हो जाए अकेले जंगल में, कि तो कि जगह खोलो जी तो गाय हमारे यहां लाख है। महात्मा गए रेणु को आते कही त्याज जी जा बुला रहे हैं, ध्यान रखना वो गैया जबरन खुलवा ली, उस एक गाय के ऊपर इतना बड़ा संग्राम हुआ कि दोनों परिवार मर के गए। कहां रही साडू की नातेदारी, और आला सुन ली भागवत सुन ली, अब रहेगा ढोला। ढोला तुमने सुनो हो तो मारू का जो हरण हुआ था वो बिल्कुल सगे साडू ने करवाया था जंगल में, और सगी मारू की बहन ने करवाया था। तब उस समय ढोल कुमार ने कहा था अपनी घरवाली से कि तुम कह रही हो तो मैं चल तो रहा हूं साडू के घर, लेकिन मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है कि मैं साडू के घर आ ठहरू। ये ढोला में लिखा हुआ है, जो दमयंती का पुत्र था वो ढोल कुमार सगे साडू ने लुटवाया था ग्रस्ता में, तो ये कोई रिश्ते ही नहीं है। कहू को चल जाए तो ठीक है, लेकिन कलयुग में जे ही जा रहे चल रहे सब, ध्यान रखना। तो उस समय मैंने बताया